हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। ठीक है, मैंने आपको मोटर स्किल्स बताई थी। मोटर स्किल्स क्या होती है? मसल्स एक्टिविटी को यूज़ करके कोई भी एक्टिविटी करना, कोई भी मूवमेंट करना, कोई भी फंक्शनिंग करना, ठीक है, वो क्या होती है? मोटर स्किल्स होती है वहाँ पर। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है वो है कि जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, हमारी जो फंक्शनिंग है, हमारी जो एक्टिविटी है, उसमें डेवलपमेंट होना ही मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं उसकी बॉडी में, जो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसके जो मूवमेंट हैं, ठीक है, उसके जो जॉइंट्स हैं, उनमें डेवलपमेंट होना ही मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट को यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट्स और सेकेंड है यहाँ पर फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मीन्स आपको एक लार्ज स्केल पर वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो आपको इसको आप कह सकते हो कि बड़े स्केल पे जो मूवमेंट्स होते हैं उनको डेवलपमेंट को ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। इसका जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि आपको खड़े होना, चलना, बैठना, रनिंग करना, जंपिंग करना, ये क्या है? बड़े हमारे जो होते हैं बड़े स्केल के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा, फाइन मोटर डेवलपमेंट मीन्स कि छोटे स्केल पर डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो इसका जो आप कह सकते हैं कि एक स्मॉल स्केल पर डेवलपमेंट होना, मसल्स एक्टिविटी का मसल्स का डेवलपमेंट होना, मूवमेंट का डेवलपमेंट होना और फंक्शनिंग का डेवलपमेंट होना, एक स्मॉल स्केल पर उसको बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि आपको मतलब राइटिंग करना, कैचिंग करना, थ्रो करना किसी चीज़ को, पिक करना किसी चीज़ को, किक करना किसी चीज़ को, डांस करना, ये सब क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट होता है कि कैचिंग, ये जो है ना किसी बॉल को कैच करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये एग्जाम में भी आ जाता है कि क्या बोलते हैं जो कैचिंग है वो कौन सा मोटर डेवलपमेंट है। तो आपको याद रखना है ये है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, वो फैक्टर जो हमारे मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर पेरेंट्स एंड हेरिडिटी। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा एग्जांपल है कि जो जीन्स हमारे मम्मी पापा के थ्रू हमें मिलते हैं तो उसी लेवल पर वहाँ पर हमारा डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट वहाँ पर होता है। ठीक है, तो वो अफेक्ट करता है। सेम चीज़ इसका एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको, सपोज डैट किसी के फादर एक एथलीट हैं तो उस बच्चे में भी उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है कि वो बच्चा भी उसी लेवल पर अपने जो मोटर डेवलपमेंट है उसी लेवल पर ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का जो फूड होता है, एक हेल्दी फूड होता है, एक स्ट्रॉन्गर फूड होता है। ठीक है, अगर वो चिल्ड्रंस उसको वहाँ पर लेता है तो डेफिनेटली उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छे से इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट करते हैं हमारे मोटर डेवलपमेंट को। जो स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रंस वहाँ पर न्यूट्रिशन फूड लेते हैं तो डेफिनेटली उनका जो मोटर डेवलपमेंट है वो एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूव होता है। ठीक है, जो नहीं लेते हैं डेफिनेटली उनका उस लेवल पर इम्प्रूवमेंट उनकी मोटर डेवलपमेंट में वहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अगर मदर और चाइल्ड को सही टाइम पर टीका लगाया जाए तो उसकी वजह से भी वहाँ पर उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो एक अच्छे लेवल पर वहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट क्लीन है, सेफ है, नेचुरल इन्वायरमेंट है तो डेफिनेटली उसकी बॉडी को वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, कोई भी इलनेस, कोई भी डिजीजेस वहाँ पर उसको देखने को नहीं मिलेगी। डेफिनेटली जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उसकी बॉडी एक हेल्थी बॉडी होगी जिसकी वजह से उसमें वहाँ पर उसका जो मोटर डेवलपमेंट है एक अच्छे लेवल पर वहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर साइकोलॉजिकल फीडबैक एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए वहाँ पर कि वो एक्टिविटी ज़्यादा करे जिसके थ्रू वो अपनी मोटर डेवलपमेंट स्किल मोटर डेवलपमेंट को अच्छे लेवल पर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर
डिसेबिलिटी एंड डिजीजेस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डिजीजेस हैं वो इफ़ेक्ट करती है आपके मोटर डेवलपमेंट को। आपने जो मोटर डेवलपमेंट किया है अपनी बॉडी में, बच्चे ने मोटर डेवलपमेंट अपनी बॉडी में किया है, अगर उसको वहाँ पर कोई बीमारी हो जाती है तो वो रिड्यूस कर देती है उसके परफेक्शन को, ठीक है। जो जिस लेवल पर वो वहाँ पर मोटर डेवलपमेंट कर पा रहा था, उस बीमारी के बाद वो उस लेवल पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये ट्राई किया जाए कि बच्चे को एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, बच्चे को बीमारी से बचाया जाए, डिसेबिलिटी से बचाया जाए, जिसके थ्रू जिससे कि वो अपना जो मोटर डेवलपमेंट है एक ग्रोथ लेवल पर कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस। सुना होगा आपने प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस है वो इंसान को उस काम में परफेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस है, उन जो भी मोटर डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आपको जैसे कि कोई बच्चा है उसको, ठीक है, अभी चलाना नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे उसको वहाँ पर उसी चीज़ की प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए जिससे कि वो वहाँ पर चलना सीख जाए, ठीक है। तो यह है रेगुलर प्रैक्टिस। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी वेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके जो मोटर डेवलपमेंट को, मोटर स्किल्स को, ठीक है। जो फैटी पर्सन होगा उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बॉडी में जो फंक्शनिंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मूवमेंट स्पेशली उस इंसान में उतने ज़्यादा नहीं होते जितने कि एक फिट पर्सन में होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर है बॉडी वेट, ठीक है, तो याद रखना है कि ओवर बॉडी वेट वहाँ पर इफ़ेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट को या मोटर स्किल को, ठीक है। तो याद रखना है कि बच्चे को न्यूट्रिशन डाइट दी जाए, फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए, जिसके थ्रू वो एक फिट चिल्ड्रंस रहे, जिसके थ्रू वो अपनी मोटर डेवलपमेंट को एक अच्छे से, मतलब मोटर डेवलपमेंट को अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी जो एक मिड रेंज के बच्चे हैं वो उनमें मेंटल एबिलिटी ज़्यादा होती है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें एबिलिटी कम होती है। तो वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें जो मेंटल एबिलिटी होती है वो कम होती है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प करानी चाहिए उनकी जो मोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप कराने में, जिनके थ्रू वहाँ पर मोटर डेवलपमेंट उनकी बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जेंडर और सेक्स डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो गर्ल्स में अलग होते हैं, बॉयज़ में अलग होते हैं, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जेंडर है वो भी अफेक्ट करता है हमारे मोटर डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर रिलैक्सेशन वहाँ पर करना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो मोटर डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो सकती है। क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं करोगे, तो वहाँ पर जो आपके काम करने की जो एक्टिविटी करने की जो एफिशिएंसी है वो वहाँ पर कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी, और जिसके थ्रू आप वहाँ पर गलत एक्टिविटी वहाँ पर करोगे, ठीक है। तो प्रॉपर रेस्ट आपको करना चाहिए जिसके थ्रू आप जो अपकमिंग आपकी एक्टिविटी है उनको आप अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी जो स्किल्स हैं उसको अच्छे से डेवलप किया जाए, जो मोटर स्किल्स है उसको एक अच्छे से डेवलप किया जाए, ठीक है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उसमें क्या है, उसके जो पेरेंट्स हैं उसमें जो हेल्प करते हैं उसको आप ट्रेनिंग बोल सकते हैं। जो मम्मी पापा हैं उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेटना सिखाते हैं, उनको बैठना सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, तो वो क्या है, वो ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर। जो मिड एज के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए स्पेशल कोचेस होते हैं, ठीक है, स्पेशल टीचर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनकी ट्रेनिंग कराने में, मतलब उनकी जो मसल्स एक्टिविटी है, मसल्स ट्रेनिंग है, और जो मोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप कराने में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, एक न्यू लेवल पर एक्टिविटी करते हो, तो वहाँ पर आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, जो एक्टिविटी आप पहले कर चुके हैं, तो उसमें आपको सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप उसको पहले कर चुके हो, ठीक है। आप कोई न्यू या अपकमिंग एक्टिविटी ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपकी जो
मोटर डेवलपमेंट है वो वहाँ पर इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट और एटीट्यूड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको मोटर डेवलपमेंट को। अगर बच्चे में इंटरेस्ट है कि मुझको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है, तो उसमें उस लेवल के उस एक्टिविटी से रिलेटेड वहाँ पर मोटर डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। अगर बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है कि मुझको ये एक्टिविटी नहीं करनी है, तो उस बच्चे में वहाँ पर उस लेवल का डेवलपमेंट, उस स्किल से रिलेटेड डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके मोटर डेवलपमेंट को, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टी एक्टिविटीज़, ठीक है। मल्टी एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं, चाइल्ड करता है मल्टी एक्टिविटीज, डेफिनेटली वहाँ पर उसमें मल्टीपल लेवल के जो डेवलपमेंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। सपोज दैट बच्चा एक ही तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, कि वो एक्टिविटी कर रहा है रिलेटेड टू जंपिंग, ठीक है, तो उसमें उस जंपिंग लेवल के ही जो मोटर डेवलपमेंट है वो वहाँ पर होगा, ठीक है। सपोज दैट बच्चा मल्टी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो जंपिंग भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, अप एंड डाउन वाली एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, मल्टी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें मल्टीपल वहाँ पर मोटर डेवलपमेंट वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आपको मैं आपको नोट्स बता देता हूँ, ये मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, ये हेडिंग डाल के आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। देयर इन्वायरमेंट तक आपको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आपको टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट कर लेना है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कर लेना है, और फाइन मोटर डेवलपमेंट आपको यहाँ पर कर लेना है हेडिंग डाल के। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ये सारे स्मॉल स्मॉल हैं, छोटे छोटे आपको लिख लेने हैं, ठीक है।